हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। तो आज लुसेंट से टॉप 1000 जीके सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम 4 सीरीज़ कर रहे हैं, टोटल इसकी 5 सीरीज़ होंगी जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो आज हम 600 से 800 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 601, क्योंकि 600 पहले ही हो चुके थे, 600 बन से 800 तक आ जाऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में होंगे पूरे 1000 तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हु एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर की उपाधि किसने स्वीकार की? ये थे औरंगजेब। राजीव गांधी वॉज डाइड इन विच स्टेट, राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, ठीक है, उनकी हत्या की गई थी। फर्स्ट सुल्तान हु इन्वेडेड साउथ इंडिया, पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी। चांद बीवी वॉज द रूलर ऑफ बिस्ट प्लेस, चांद बीवी किस स्थान की शासक थी? ये थी अहमदनगर। इन विच सुल्तान्स टाइम पीरियड इब्न बतूता वॉज केम इन इंडिया, इब्न बतूता भारत में किस सुल्तान के समय आया था? उस समय जिस सुल्तान का राज था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। What is the capital of Maldives? Maldives की राजधानी क्या है? माले। Capital आप जितनी हो सके countries की करके जाइएगा, capital and currency। Countries की बहुत important है, बहुत पूछता है, जैसे CGL में है तो बहुत पूछता है, ठीक है। और plus मैंने आपको बताया था vitamins की, vitamin की कमी से क्या होता है, ठीक है, ये ज़रूर करके जाने हैं आपको। Currency, capital और vitamin, ये ज़रूर करके जाने हैं। और sports, किस ट्रॉफी जैसे डेविस कप किससे रिलेटेड है, ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, थॉमस कप किससे रिलेटेड है, ये करके जाने। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा ही आपको, ठीक है, जितना कवर हो मैंने कोशिश की है, ट्राई किया है कवर आपको करवाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा सिचुएटेड इन विच सिटी, बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? बहुत ही सिंपल है, लखनऊ। हु इज कॉल्ड बुलबुल ऑफ इंडिया, भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? ये थी सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछे हु इज कॉल्ड द नाइटेंगल ऑफ इंडिया तो भी आपको क्या लिखना है? सरोजनी नायडू, ठीक है। बुलबुल को इंग्लिश में नाइटेंगल ही बोलते हैं, तो कभी कभी नाइटेंगल के नाम से भी किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू। व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, अब देखिए मैं अभी बात कर रही थी ना कैपिटल और करेंसी कंट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आ गया म्यांमार की मुद्रा क्या है, यह है कियात। और खास तौर से जो हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है ना उसके बारे में, उसके प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये सब पता होना चाहिए, प्लस करेंसी आपको पता होनी चाहिए, क्या खास तौर से नेवरिंग के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजॉन, अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। व्हाट इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्त राजधानी क्या है? अब न्यू दिल्ली तो सबको पता है कैपिटल है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल हम किसको बोलते हैं? मुंबई। Who was the founder of Ramkrishna Mission? Ramkrishna Mission के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। Who is known as father of economy? अर्थव्यवस्था के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ। What is the real name of शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या है? फरीद। Who was the first chairperson of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। Who was the founder of चोल डायनेस्टी? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयला। When was महात्मा गांधी born? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। Who is the founder of Servant of India Society? Servant of India Society के संस्थापक कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। What is the national language of Bangladesh? बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बंगाली। Battle of Mount Abu was held in which year? माउंट आबू की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1117 AD, यानी कि 1178वीं ईस्वी। फर्स्ट कंट्री हु हैज इंडक्टेड वीमेन इन आर्मी, महिलाओं को सेना में शामिल करने वाला पहला देश कौन था? भारत। भारत पहला देश था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अगेंस्ट था ना पहला जापान, इसके अगेंस्ट था कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, अब तो खैर वो भी हो गया, लेकिन सबसे पहले जब करा था, ठीक है। Who has stabilized कुब्बतुल इस्लाम, कुब्बतुल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक।
जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस शहर में स्थित है? यह है मुंबई में। टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर बिलोंग्स टू विच कंट्री? टेनिस के खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेबलाइज इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1600 AD यानी 1600 ईस्वी। इन 1757 बैटल ऑफ प्लासी क्लाइव फाउट अगेंस्ट हुम? 1757 में प्लासी क्लाइव की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी सराजुद्दौला। वन एग कंटेन हाउ मच प्रोटीन? एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 6 ग्राम। घूमर इज अ डांस ऑफ विच स्टेट? और स्टेट का डांस और फेस्टिवल मैं आपको जब से बताती आ रही हूँ। घूमर किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान। मिल्क ऑफ काओ इज येलो बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? अच्छा, आप काओ का मिल्क आपने देखा होगा, बफेलो का तो व्हाइट होता है लेकिन काओ का हल्का सा येलोइश उसमें होता है, हल्का सा येलोइशनेस होती है, वो किस वजह से होती है? कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से। और कैरोटीन कहाँ से होता है? राइबोफ्लेविन से। तो आपको दोनों, अगर आपको ऑप्शन में कैरोटीन दे रखा है तो आप कैरोटीन पर टिक करिए, लेकिन कभी कभी उसके अंदर का भी पूछ लेता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन मतलब उसकी बहुत डीप नॉलेज जिसको होगी वो बता पाएगा, तो राइबोफ्लेविन। कैरोटीन किस वजह से होता है? राइबोफ्लेविन की वजह से। और कैरोटीन की वजह से क्या होता है? येलो कलर। ऐसे करके चलिए, राइबोफ्लेविन की वजह से कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से येलो कलर। तो कभी कभी वो अंदर वाली चीज भी पूछ लेता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन में आपको मिले टिक करना है। विच स्टेट इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक? हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कुछ लोग इसमें अब आंध्र प्रदेश लगाते हैं। आपको पता होगा 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो चुके हैं, मतलब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बन चुका है। तो अब से पहले 2014 से पहले जब अलग नहीं था तो टर्मरिक आंध्र प्रदेश में ही आता था, लेकिन अब तेलंगाना हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको तेलंगाना ही लगाना है, अदरवाइज आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश मैंने किसका बताया था? एग का, ध्यान है ना, एग का हाइएस्ट प्रोड्यूसर। हु बिल्ट गोलकोंडा फोर्ट? गोलकोंडा का किला किसने बनाया था? ये भी बनाया था कुली कुतुब शाह, जिसने हैदराबाद बनाया था। इन विच ईयर बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ड इन अयोध्या? अयोध्या में बाबरी मस्जिद किस वर्ष में बनाई गई थी? 1528 से लेके 1529। द मेंबर ऑफ राज्यसभा गिव्स देयर रेजिग्नेशन टू हूम? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपाध्यक्ष। विच आर्टिकल शेज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55। विच मुगल एम्परर डिड देयर कोरोनेशन सेरेमनी ट्वाइस? किस मुगल सम्राट ने अपना राज्याभिषेक समारोह 2 बार किया था? औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब होता है राज्याभिषेक करना। When did Vasco da Gama came into India second time? Vasco da Gama दूसरी बार भारत में कब आया? 1502 यानी 1502। IRCTC रेलवे से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसका मतलब है, वॉज स्टेबलाइज इन विच ईयर? कब स्टेबलाइज हुई थी ये? ये हुई थी 1999 यानी 1999। Who introduced first rail budget in India? भारत में पहला रेल बजट किसने पेश किया? आर के शनमुगम सेट्टी ने पहला रेल बजट, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस रन बिटवीन विच कंट्रीज? समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। इसी तरह से देखिए आप, जैसे समझौता एक्सप्रेस है, इसी तरह से मैत्री एक्सप्रेस रन बिटवीन विच कंट्रीज? मैत्री एक्सप्रेस किस कंट्रीज को कनेक्ट करती है? ये करती है इंडिया और बांग्लादेश को, ढाका तक जाती है ये, ठीक है। नेशनल रेलवे म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। मैडम तुषार इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? मैडम तुषार किस देश से संबंधित है? यूके। मैडम तुषार सबको पता होगा क्या है ये, मैडम तुषार यूके से संबंधित है। म्यूजियम जहाँ पर मोम के पुतले वो बनाए जाते हैं ना, बिल्कुल
यूके में बहुत फेमस है, आपको पता होगा। तो वो किससे, कहाँ पर है वो? यूके में है मैडम तुसाद। इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन वॉज रन बिटवीन विच सिटीज? मुंबई। भारत में पहली ट्रेन किन शहरों के बीच चलाई गई? भारत में मुंबई और थाने के बीच में। हु इज द फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी, फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर। ठीक है। हु वॉज द वाइसराय व्हाइल इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टेबलाइज्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? ये थे लॉर्ड डफरिन। इन विच ईयर ताजमहल हैड बिकम कंप्लीटेड? ताजमहल किस वर्ष पूरा हुआ? ये हुआ था 1653। तो 22 वर्ष इसको लग गए थे बनाने में। और कब तक पूरा हो पाया था? 1653। तो आपको बताना है कि कब से शुरू हुआ था, अगर आपसे ये पूछा जाए ताजमहल बनना कब शुरू हुआ था, स्टेबलाइज उसका कब हुआ था, तो इसमें से -22 कर दीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। यानी माइनस कितना आएगा? ये आएगा आपका 1631 से स्टार्ट हुआ था बनना और 1653 तक कंप्लीट। विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? यह चिनाब ब्रिज। फर्स्टली राजधानी एक्सप्रेस वॉज रन बिटवीन विच सिटीज? सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलाई गई? नई दिल्ली और हावड़ा। फर्स्ट ट्रेन ऑफ वर्ल्ड हैड रन इन विच कंट्री? दुनिया की पहली ट्रेन किस देश में चली थी? ये चली थी इंग्लैंड में 1804 में, यानी 1804 में। हु इंट्रोड्यूस दहशाला बंदोबस्त? दहशाला बंदोबस्त का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था अकबर ने। विच अवार्ड इज नोन एज एशियाज नोबल? एशिया का नोबल किस पुरस्कार से जाना जाता है? ये जाना जाता है मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे पुरस्कार। वॉट इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड? बहुत ईजी क्वेश्चन है कंप्यूटर का। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। वेन दूरदर्शन हैड ब्रॉडकास्टेड फर्स्ट टाइम इन कलर पिक्चर? दूरदर्शन ने पहली बार रंगीन चित्रों का प्रसारण कब किया था? ये किया था 1982 में। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही ब्रॉडकास्टेड पहला कब किया था, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट में किया था, सबसे पहले 1959 में हुआ था। यहाँ पर हो रही है कलर्ड कब किया, अगर आपसे पूछा जाए तो 1982। अरेबियन ओशियन मानसून एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम विच स्टेट? अरब महासागर का मानसून भारत में किस राज्य में प्रवेश करता है? सबसे पहले वो प्रवेश करता है केरला, और वहीं से ही मानसून आता है पूरे इंडिया में, आना शुरू हो जाता है। विच इज द लार्जेस्ट रेलवे यार्ड ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? मुगल सराय। वॉट इज द कलर ऑफ एरोप्लेन्स ब्लैक बॉक्स? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? संतरी, ऑरेंज। अच्छा, ये नाम का ही ब्लैक बॉक्स है, इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं होता। ऑप्शन में ब्लैक दिया जाएगा और आप वही टिक कर दोगे, ठीक है? तो ध्यान रखना ऑरेंज कलर का होता है और ये हर एरोप्लेन में होता है। इसमें क्या होता है, जो भी पायलट बोलता है ना सब रिकॉर्ड होता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब क्रैश हो जाती है ना फ्लाइट, जब क्रैश हो जाती है, बोलते हैं एरोप्लेन क्रैश हो जाए, किसी भी उसमें दुर्घटना हो जाती है कोई भी, तो यहीं से ही इंफॉर्मेशन पता चलती है कि क्या स्थिति थी, क्योंकि पायलट सब बोलता है, वो उसमें रिकॉर्ड हो चुका होता है उस टाइम मौसम कैसा था, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो बोल रहा होता है कि फ्लाइट क्रैश हो सकती है, इस टाइम पूरी जानकारी दे रहा होता है उस समय, ठीक है? और ये बहुत मजबूत बनाया जाता है, क्रैश के बाद भी इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं कि अगर ये टूट जाए, बहुत मजबूत बनाया जाता है। विच इज़ द मोस्ट हाईटेक मेट्रो ऑफ इंडिया? भारत का सबसे हाईटेक मेट्रो कौन सा है? नई दिल्ली। और सबसे पुराने टाइप का कौन सा है? कोलकाता में। सिली पॉइंट वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सिली पॉइंट वर्ल्ड का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। हु इज नोन एज द ब्लैक पर्ल ऑफ फुटबॉल? फुटबॉल का काला मोती किसे कहते हैं, ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं? अच्छा, इनका नाम तो बहुत बड़ा है, मैं पढ़ के बताती हूँ, एडसन अर्नेस्टो नासिमेंट। तो इसलिए इनको इस नाम से याद नहीं रखते, इनका एक निकनेम है पेले, उससे याद रखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल फुटबॉल का पेले को बोलते हैं, ठीक है? Who said चलो दिल्ली? किसने कहा था चलो दिल्ली? सुभाष चंद्र बोस। Who is the first lady railway driver of India? भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। In Indus Valley civilization the great bath was found in which state? सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानाघर किस स्थल पर पाया गया? मोहनजोदड़ो।
फ्लॉक पेंटिंग मधुबनी इज अ फेमस इन विच स्टेट? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहार। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? ये हुआ था बंगाल गैजेट। When was the Reserve Bank of India taken over the government? भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार ने कब अपने अधिकार में ले लिया था? ये लिया था 1 जनवरी 1949। What does light year measure? प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी, डिस्टेंस। अच्छा, फिजिक्स में ये क्वेश्चन बहुत अभी आगे भी आएगा कि ये क्या नापता है, मेजरमेंट यूनिट, सबकी ऐसा ही यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, ठीक है, तो देख कर जाइएगा आप जरूर। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडीग्राम। वॉट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन? वाष्पोत्सर्जन के दौरान पानी का कितना प्रतिशत नुकसान होता है? 99%, यानी 99%। ट्रांसपीरेशन होता क्या है? देखिए, जब हम रूट्स में पानी देते हैं ना, आप सबको पता है रूट्स में पानी देना बहुत जरूरी होता है, तो हम भी जब पानी देते हैं हमेशा रूट्स में देते हैं प्लांट्स या ट्रीज में, तो इस रूट्स से जो पानी है वो लीव्स में एंटर करता है, स्टेम में एंटर करता है, ठीक है, पूरे पेड़ में जाता है, जिससे हमारी पत्ती हरी हरी रहती है, मतलब पूरा रूट से ही वो अपना लेते हैं पानी, ठीक है, तो इसमें कितना, तो यही प्रोसेस जो होती है रूट से पानी का पूरे पौधे में जाना, स्टेम में, लीव्स में, जो भी पार्ट है उसमें जाना, फ्लावर में, ठीक है, ये प्रोसेस ट्रांसपीरेशन होती है। जो भी हम रूट्स में पानी देते हैं उसमें केवल 1% पानी जाता है लीव्स वगैरह में, इतना ही यूज करता है, बाकी उसका लॉस हो जाता है, ठीक है, सब लॉस हो जाता है, वो 1% पानी वो यूज करता है, लॉस हो जाता है, भाप के बन के उड़ जाता है एक तरह से मानिए, तो सिर्फ 99% पानी जो है उसका लॉस हो जाता है, इसलिए कहते हैं। वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। When was the Madras state named as Tamil Nadu? मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब रखा गया? ये 1969 में रखा गया था, इससे पहले से मद्रास बोलते थे। How many island of India are located in way of Bengal? बंगाल की खाड़ी में भारत के कितने महाद्वीप, कितने द्वीप स्थित है, ठीक है, तो कितने आइलैंड है? अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 204। अच्छा, यहाँ 204 आइलैंड मैंने जो लिखे हैं वो रहने लायक, मतलब जहाँ पर लाइफ आपकी पॉसिबल है। वैसे टोटल की बात की जाए, अंडमान निकोबार जो आइलैंड आता है वे ऑफ बंगाल में, आप सभी को पता है, तो उसमें टोटल 572 आइलैंड है, लेकिन जो रहने के लिए जहाँ लाइफ पॉसिबल है, लिविंग इनहेबिटेंट जिसे हम बोलते हैं, वो 204 ही है। तो अगर आपको ऑप्शन में 204 दिया जाए तो भी आपको लगाना है इसका मतलब वो केवल लिविंग इनहेबिटेंट की बात कर रहा है, और अगर वो टोटल की भी बात कर सकता है, आपको 204 ऑप्शन में नहीं है, 572 है, तो आप वो टिक करिए, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों बताया है। मधुमाली सेंचुरी इज फेमस फॉर वॉट? मधुमलाई अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर्स, बाघों के लिए। हु रोट रेहला? रेहला किसने लिखा है? ये लिखा है इब्न बतूता। What is the biggest salt water lake in the world? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। Who was the Prime Minister of Britain while India was getting freedom? जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे क्लेमेंट एटली। The नर्मदा एंड ताप्ती रिवर एंटर इन विच ओशियन? नर्मदा और ताप्ती नदी किस महासागर में स्थित हैं? ये है अरेबियन सी, अरब महासागर, ठीक है। इंडिया विल बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, दिस वॉज द आइडिया ऑफ हूम? भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, किसका विचार था? वो दो हिस्से कौन थे? इंडिया और पाकिस्तान, इससे पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड? लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36। Which monument is known as the National Monument of India? कौन सा स्मारक भारत के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में माना जाता है? इंडिया गेट माना जाता है, ठीक है, नेशनल मॉन्यूमेंट। गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? चंपारण। Who introduced Western education? पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की? राजा राम मोहन रॉय। Where does Tapti River originate? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है सतपुरा रेंज से।
व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 ईयर्स. वेयर डू सनरेज लीव इंडिया, सूर्यदेव भारत को कहाँ छोड़ते हैं? गुजरात. हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट. विच कैनल कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो कौन सी कैनल जोड़ती है ये नहर? स्वेज कैनल. When was the battle of Chandavar held? चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 AD में. Who introduced मनसब सिस्टम, मनसब प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर. मनसब सिस्टम पता है क्या होता था? क्या था पहले? ऐसा था जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी में आजकल 10 रुपये है महीने, अब के उसकी 10 साल बाद भी उतनी हुई, उसकी 50 साल बाद भी उतनी हुई, अब के महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या होता था? लोगों को परेशानी होने लगी, जो प्रजा थी ठीक है उसको परेशानी होने लगी, और उसने क्या कहते हैं तो ये शिकायतें आने लगी कि मतलब महंगाई बढ़ती लेकिन सैलरी उतनी है. तो फिर अकबर ने अपने मंत्री जो होते हैं उनके मिनिस्टर टोडरमल, उनसे बोला कि भाई तो क्या किया जाए. तो उन्होंने एक रास्ता, जो उनके मिनिस्टर थे अकबर के, उन्होंने रास्ता उन्हें क्या सजेस्ट किया, मनसब सिस्टम चलाइए. इसमें क्या होता था कि 10 साल तक इसकी सैलरी इतनी है, उसकी 10 साल बाद बढ़ेगी, फिर अगले 10 साल बाद फिर बढ़ेगी ठीक है, इस तरह से होता था. और इसकी हम एक लिमिट बताएंगे, सपोज किसी की सैलरी 100 रुपये से कम 100 रुपये होगी और 12,000 से ज़्यादा किसी की नहीं होगी. तो जितने भी हाई पोस्ट होते हैं जैसे आज के टाइम के IAS ऑफिसर, IPS, ये मान लीजिए जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह हैं, इन सबकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा नहीं देंगे हम ठीक है, और हर 10 साल में सैलरी जो है बढ़ेगी, इससे किसी को परेशानी नहीं होगी. तो ये था उसका मनसब सिस्टम. हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? सबको पता है मिल्खा सिंह. एक मिनट रुकिए, कहाँ गया? मिल्खा सिंह ठीक है. हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद. यहाँ पर गलती से आनंद ही हो गया, आनंद. What is the measurement unit of speed of computer processor? Computer processor की गति की माप इकाई क्या है? Gigahertz. सबको पता है Gigahertz. ठीक है GH. क्षेत्र भूमि is related to whom? क्षेत्र भूमि किस से संबंधित है? B.R. अम्बेडकर. Where is the tomb of शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम. Which is the warmest place of Asia? Warmest, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पता है कौन सा है? जायकोवाबाद. यहाँ से 55 से लेके 56 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है. What does gun bullet contain? Gun bullet में क्या होता है? Lead. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान किस राज्य में स्थित है? यह है पंजाब. Who built जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी? पुरी में जगन्नाथ टेम्पल किसने बनवाया था? यह बनवाया था चोल गंग देवी. हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय हुम? हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन सेकंड. नेशनल एंथम वॉज संग इन विच ईयर फर्स्टली? राष्ट्रगान सबसे पहले किस वर्ष गाया गया था? 1911 यानी 1911. हु इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है साइंस का. रेडियम का आविष्कारक कौन है? मैडम क्यूरी. फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज स्टेबलाइज इन विच ईयर? प्रथम वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1951. हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग. सावक इज एन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री? सावक किस देश का खुफिया विभाग है? समझ रहे हो ना, यह है ईरान. जैसे इंडिया का क्या है? रॉ. एशिया हॉकी कप वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? एशिया हॉकी कप किस वर्ष में स्टार्ट हुआ? 1982. फ्रॉम वेयर अवर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन? हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, USA से. नेम द क्लैन टू विच बुद्धा बिलोंग्स टू? उस वंश का नाम बताइए जिनसे बुद्ध का वंश, बुद्ध का है. कौन से वंश के थे? वो थे शाक्य वंश.
विच वेद टेल्स अबाउट ब्लैक मैजिक, कौन सा वेद हमें काले जादू के बारे में बताता है? अथर्ववेद. वॉट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये होता है 1350 ग्राम. विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ इटली, किस नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है? पो रिवर, पो नदी को. विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ब्रद गंगा, भारत की किस नदी को ब्रद गंगा कहा जाता है? गोदावरी. हु सेड आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है? ये कहा था भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर. ठीक है. वॉट इज द रियल नेम ऑफ तानसेन, तानसेन का वास्तविक नेम क्या है? रामतनु पांडे. ये सब किसमें आते थे? जो अकबर के नवरत्न थे ना, उसमें से आते थे. अच्छा, एक और नवरत्न, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास. वॉट इज द एंशियंट नेम ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का प्राचीन नाम क्या है? मालाबार. नेशनल पुलिस एकेडमी सिचुएटेड इन विच स्टेट, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी किस राज्य में स्थित है? ये है तेलंगाना. यानी कि जितने भी आपके आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं ना, इन सब की ट्रेनिंग तेलंगाना में ही होती है, वो इधर से ही निकलते हैं. ब्रिटिशर्स स्टेबलाइज देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन विच सिटी, अंग्रेजों ने किस शहर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? सूरत. विच फॉरनर्स केम इन इंडिया फर्स्टली, भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी आए? ये आए थे पोर्चुज. इन विच ईयर तेलंगाना वॉज स्टेबलाइज, तेलंगाना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 2 जून 2014. इन विच ईयर मार्ले मिंटो विल रिफॉर्म, मार्ले मिंटो विल में किस वर्ष सुधार किया गया था? 1909 में. हु वॉज द स्टूडेंट ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के छात्र कौन थे? स्वामी विवेकानंद, यानी इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस. ठीक है, स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे. डोगरी इज द लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, डोगरी किस राज्य की भाषा है? जम्मू एंड कश्मीर. हु इज नोन एज लाइटनिंग किंग, लाइटनिंग किंग के रूप में किसे जाना जाता है? विश्वनाथन आनंद. हु इज द इन्वेंटर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, पैराबैंगनी किरणों का आविष्कारक कौन है? यह है जोहान रिटोर. देयर आर हाउ मेनी रिंग्स अराउंड सैटर्न, शनि के चारों तरफ कितने छल्ले होते हैं? चारों ओर. देखा है ना अपना सैटर्न सबसे डिफरेंट होता है, उसके होते हैं 7. हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बरुद्दीन तैयब जी. विच इज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी ऑफ एशिया, एशिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को. हु वॉज कॉल्ड लिच्छवी धोत्रा, लिच्छवी धोत्रा किसने कहा था? समुद्रगुप्त. लिच्छवी धोत्रा किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को. ठीक है. वेयर इज ब्रह्मा टेम्पल सिचुएटेड, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर. एकमात्र भारत पूरे उसमें केवल पुष्कर में ही स्थित है ब्रह्मा टेम्पल, और कहीं भी नहीं है. इन विच रैंक गोवा बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा भारत का कौन सा राज्य बन गया था? 25वां. हु वॉज द कुक ऑफ अकबर, अकबर का रसोईया कौन था? मुल्ला दो प्याजा. इनके नाम में ही है मुल्ला दो प्याजा. ठीक है. और ये भी नवरत्न में ही आते थे अकबर के. इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली सिचुएटेड, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरला. हु हैड गिवन द 8th path, 8th path किसने दिया था? बुद्ध. यानी इनके 8 path थे जिस पर जो भी ये बुद्ध धर्म अपनाएगा, जैनिज्म तो उनको चलना है, मतलब जो भी बौद्धिज्म धर्म फॉलो करेगा उसको 8 rule ये फॉलो करने पड़ते थे, जो इन्होंने बताए थे 8 path के नाम से फेमस था. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा क्या है? क्या है? कोई भी ऑप्शन में नो टाइम लिमिट. आपको अब 3 options, कोई भी टाइम दिया जाए और एक दिया जाए नन ऑफ द एबव, तो आपको नन ऑफ द एबव में लगाना है. या फिर अगर वहाँ लिखा जाए नो टाइम लिमिट, नो, कोई भी टाइम लिमिट इसकी नहीं होती है आपातकाल के समय. ठीक है. ये कितने देर तक लगाया जाएगा कोई सब. हु वॉज द लीडर फ्रॉम कानपुर इन 1857 रिवॉल्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहिब. हु रोट हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी. बहुत फेमस बुक है इनकी, याद रखना.
हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव थे। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रियल फाउंडर मतलब, तो इसमें आ जाएगा स्वामी महावीर जैन, वर्धमान महावीर, क्योंकि जो भी ऋषभ देव को बहुत कम लोग जानते हैं, जो लोग भी जानते हैं ना महावीर जैन को ज़्यादा जानते हैं, तो आपके ऑप्शन में हो सकता है ऋषभ देव ना हो महावीर जैन, तो आपको महावीर जैन पर, वर्धमान महावीर पर टिक करना है, क्योंकि लोग जो हैं जैन के ज़्यादातर आज के टाइम में महावीर जैन ज़्यादा फेमस है, उन्हीं को फॉलो ज़्यादा करते हैं लोग। विच आर्टिकल सेज अबाउट पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72। हु गेव द फायरिंग ऑर्डर एट जलियावाला बाग, जलियावाला बाग में फायरिंग का आदेश किसने दिया? ये दिया था जनरल डायर ने। वेयर इज चिन्नास्वामी स्टेडियम सिचुएटेड, चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये है बैंगलोर में, ये चेन्नई में नहीं है, चिन्नास्वामी सुन के आप चेन्नई लगा दो, नहीं, बैंगलोर में। ओवर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ओवर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। हु वॉज द लास्ट मौर्यन किंग, अंतिम मौर्य राजा कौन थे? ये थे व्राहिदित्रा, ठीक है, व्राहिदिता। देयर आर हाउ मेनी प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। हु सेड हु लिप्स इफ इंडिया डाइज, किसने कहा हु लिप्स इफ इंडिया डाइज, मतलब अगर इंडिया ही नहीं रहेगा तो रहेगा कौन क्या? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, आलू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश एक और का सर्वाधिक मैंने बताया था मैंगो का। विच विटामिन इज यूजुअली फाउंड इन फिश लिवर ऑयल, मछली के जिगर के तेल में आमतौर पर कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन डी। वॉट डज NH1 कनेक्ट, NH1 किस क्या जोड़ता है? जो NH1 हाईवे है, किस हाईवे को जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए। विच स्टेट इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया, किस राज्य को भारत के रूर के रूप में माना जाता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? अमेरिका। विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा है? ये है उमलिंगला पास। हु वॉज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम वाइल 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 1983 क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? मोहिंदर अमरनाथ। हु रोट रामायण, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि। इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो वॉज स्टेबलाइज, अखिल भारतीय रेडियो किस वर्ष स्थापित किया गया? 1930। विच स्टेट इज नोन एज बास्केट ऑफ ब्रेड, किस राज्य को रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है? पंजाब। हु इज द राइटर ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। हु इज द फाइंडर ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल, ठीक है। हु इन्वेंटेड सेंसस, जनगणना का आविष्कार किसने किया था? ये किया था WC Plowden ने। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, बहुत फेमस कप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। वॉट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये 62 वर्ष यानी 62 ईयर्स। होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, गृह शासन आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1916। वॉट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की मुद्रा क्या है? येन। विच साइंटिस्ट टोल्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पौधों में जीवन होता है? जगदीश चंद्र बासु। फूलदेई फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, फूलदेई उत्सव किस राज्य से जुड़ा है? उत्तराखंड। डबल फॉल्ट वर्ल्ड इज यूज इन विच स्पोर्ट, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस। नासिक इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। विच इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर हु हैज टेकन ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग, एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? ये है अनिल कुंबले। देर आर हाउ मैनी सिख गुरुज, कितने सिख गुरु हैं? टोटल 10। जनपित अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, किस क्षेत्र से जुड़ा है? लिटरेचर यानी कि साहित्य। पेनल्टी स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? हॉकी। अर्जुन अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1961।
द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू हूम, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है, गुरु, ये दिया जाता है गुरु को, जैसे कोचेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मेंटर को। स्वाइन फ्लू स्प्रेड बिकॉज ऑफ विस वायरस, स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलता है, H1N1। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 25 जनवरी। विच इज द ओनली कंट्री हु इम्पोज कंप्लीट बैन ऑफ टोबैको, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला एकमात्र देश कौन सा है, भूटान। वाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था, फिर चेंजेस हुआ कुछ उसमें तो उसे इंक्लूड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज स्टेबलाइज इन विच स्टेट, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक किस राज्य में स्थापित किया गया था, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा है, लॉर्ड डलहौजी। Who was popularly known as Nana Sahib? Nana Sahib के नाम से किसे जाना जाता है? Bajirao I. In which year World War II was started? World War युद्ध की विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? Second की, जो विश्व सेकेंड हुआ था उसकी, 1939। अच्छा, First World War की कब हुई थी? 1914 में, ठीक है। Who is the founder of Sayyid Dynasty? Sayyid वंश का संस्थापक कौन है? Khizar Khan। आनंद भवन इज सिचुएटेड इन विच सिटी? आनंद भवन किस शहर में स्थित है? प्रयागराज। हु स्टेबलाइज्ड आनंद वन? आनंद वन की स्थापना किसने की है? की थी बाबा आमटे ने। और कहाँ पर थे ये आनंद वन? वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट विलियम कॉलेज वॉज स्टेबलाइज्ड इन विच प्लेस? फोर्ट विलियम कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया था? कोलकाता। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930, यानी 1930। विच स्टेट इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर? वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? ये है थर्मोस्फीयर। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है? हम जा रहे थे ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद आती है शायद थर्मोस्फीयर, सबसे गर्म होती है क्योंकि सबसे पास जाते जाते हैं ना सन के। विच इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट? भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? सबको पता है झेलम नदी है, ठीक है, श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में झेलम। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की कैबिनेट से जुड़ा है? अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप एट विच प्लेस? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? सबसे पहले इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिव समुद्रम जल प्रपात, यानी शिव समुद्रम फॉल्स के नाम से। और कहाँ पर स्थापित किया गया? कर्नाटका। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद बजट प्लान? अच्छा, बजट प्लान हम नहीं कहेंगे, मतलब बजट को हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल प्लान, एक्चुअल में इसका जो नेम होता है फाइनेंशियल प्लान से कौन सा आर्टिकल है जब तक बजट पेश किया जाता है, ठीक, तो उसमें किया जाता है आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 में। इन विच स्टेट बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? ये भी कोलकाता। अच्छा, अप्तानी इज अ मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच स्टेट? अप्तानी किस राज्य का प्रमुख जनजातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश। खासी एंड गारो ट्राइब इज मेनली बिलोंग्स टू विच स्टेट? खासी एंड गारो किसकी है? मेघालय की। विच आर्टिकल शेज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है आर्टिकल 63, यानी अनुच्छेद 63। वॉट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। वॉट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड? विश्व की छत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पामीर नॉट। वेयर आर सल्तोरा रेंजेस लोकेटेड? सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ये है काराकोरम रेंजेस में। विच रिवर इज नोन एज सैंगपो?
इन तिब्बत। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आपके 800 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 800 से 1000 के बीच में बताऊंगी। तो अगर आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।